वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम बनाएंगे रिफ्रेश कर देने वाली ठंडाई। होली आने वाली है और होली पे ठंडाई बहुत पी जाती है, सबको खूब पसंद आती है, तो चलिए बनाते हैं होली स्पेशल ठंडाई। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। सबसे पहले ठंडाई पाउडर बनाएंगे, उसके लिए जार ले लिया है। जार में 1/4 कप बादाम या 40 के करीब बादाम डाल देंगे। 1/4 कप ही काजू डालेंगे, वही 40 के करीब। 2 बड़े चम्मच पॉपी सीड्स, जिसे हम खसखस भी कहते हैं। 2 बड़े चम्मच मगज के बीज, जिसे वाटरमेलन सीड्स भी कहते हैं। 1 बड़ा चम्मच सौंफ, मैं सौंफ पाउडर डाल रही हूँ, आप साबुत सौंफ भी डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच पिस्ता, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च से ठंडाई में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। फ्लेवर के लिए 4 से 5 हरी इलायची डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच सूखी गुलाब की पत्ती, ये आपको किसी भी किराने की दुकान पर ईजिली मिल जाएगी। इससे ठंडाई में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। 1 चुटकी केसर के धागे डाल रही हूँ। 3 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। ड्राई फ्रूट से जो ऑयल रिलीज होता है उसे ये बैलेंस करती है। पीस लेते हैं। देखिए कितना अच्छा फाइन ठंडाई पाउडर तैयार हुआ है हमारा। बॉल में पलट लेते हैं। ठंडाई बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ml दूध ले लिया है। अब इसमें 4 बड़े चम्मच ठंडाई पाउडर डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। आप पे टाइम ना हो तो इसे ढक के ना छोड़ें। मैं इसे 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ रही हूँ ताकि ठंडाई का फ्लेवर दूध में आ जाए। बाकी बचे पाउडर को हम एक एयर टाइट डब्बे में रख लेंगे और जब ठंडाई पीने का मन करे इसे डालकर बना सकते हैं। 15 मिनट बाद देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसे ग्राइंड करने के लिए जार में डाल देते हैं। अब इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे। आप इसमें भूरा या पीसी हुई चीनी ही डालें। मैंने चीनी पीस कर नहीं रखी थी इसलिए साबुत डाल रही हूँ। 4 से 5 आइस क्यूब डाल के ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया ठंडाई बनी है। तो आप भी ये ठंडाई पाउडर बना के रख लीजिए। ये ठंडाई बहुत ही लाजवाब बनी है। होली पे घर वालों मेहमानों के लिए झटपट से ये हेल्दी फ्रेश ठंडाई बनाएं और इन्जॉय करें। थैंक यू।